श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 267 पावन स्वरूप गुम होने दे मामले दी जांच रिपोर्ट संबंधी अकाल तखत विखे पंच सिंह साहिबाना दी मीटिंग हुई, जिस तो बाद जथेदार अकाल तखत साहिब द्वारा रिपोर्ट दोषी पाए गए कर्मचारियों अते अधिकारियों खिलाफ कार्रवाई करन दे हुक्म दे दिते गए हन। 2015 नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 267 स्वरूप नहीं सगों 328 पावन स्वरूप जिहड़े सन ओह घट सन। इस तों अलावा पब्लीकेशन विभाग वल्लों जारी किए वेस्टिंग अंगां लई दित्ते वाधू अंगां तों अण अधिकारित तरीके दे नाल कुछ पावन स्वरूप तैयार करवा के बिना बिल कट्टियां संगतां नूं दित्ते गए। एक बार 61 स्वरूप तैयार करवाए गए ते एक बार 125 पावन स्वरूप अण अधिकारित तौर ते वधेरे अंगां तों तैयार जिहड़े आ उह करवाए गए। मिती 28/8/2015 तों 31/5/2020 तक श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों की चैकिंग अनुसार मौजूदा समय में स्टोरलाइजर के 267 स्वरूप घट सन। इस समय दौरान बिलों के डुचा में भी काफ़ी अंतर पाया गया है, लैजर के नाल छेड़छाड़ के मामले भी सामने आए हैं और सब तो वड्डी गल कि 2016 तो हुण तक ऑडिट जिहड़ा है वह नहीं करवाया गया। इस तरह यह बहुत वड्डी बेईमानी ते अनगहली जिहड़ी है वह साबित हुई है। पंच सिंह साहिबान वालों इस रिपोर्ट नूं विचारन उपरंत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं आदेश दिता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर शॉर्ट नोटिस से अंतरंग कमेटी की मीटिंग बुला के रिपोर्ट में दोषी पाए गए कर्मचारियों अधिकारियों खिलाफ बनती कार्रवाई जी है सख्त तो सख्त की जाए। इस तरह ही मिती 19/5/2016 गुरद्वारा श्री रामसर साहब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप अग्न भेट होने 2016 की समुची अंतरंग कमेटी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते उस वेले दे चीफ सकत्तर ने कोई पश्चाताप जिहड़ा उह नहीं कीता। इसलिए समुची अंतरंग कमेटी अते चीफ सकत्तर पंच सिंह साहिबान की अगली एकत्रता विच 18 सितंबर नूं सवेरे 10 बजे श्री अकाल तख्त साहिब विखे जिहड़ा है वह निजी तौर दे उते पेश होके अपना स्पष्टीकरण देण। भाई रणजीत सिंह टंडरियां वाले वल्लों बोले कथना के संबंध में पड़ताल लई बनाई विद्वानां दी सब कमेटी की रिपोर्ट पुजी है, जिस तो साबित होया कि इसने गुरमत प्रति कुछ गलत बयानियां कीतियां हन अते इन्हां कथना संबंधी स्पष्टीकरण देने तो भी इनकारी होया है। इस संबंधी श्री अकाल तख्त साहिब विखे पंच सिंह साहिबान की कतरता विच विचार करन उपरंत फैसला होया कि गुरु ग्रंथ गुरु पंथ नूं समर्पित ते परंपरावां की राखी लई वचनबद्ध देश विदेश दीआं सिख संगतां संस्थावां ते गुरद्वारा प्रबंधकां नूं आदेश कीता जांदा है कि जिन्ना चिर श्री अकाल तख्त साहिब ते अपनियां गलती बयानियां लई पेश हो के माफ़ी नहीं मंगदा उन्हां चीज इस दे समागम जिहड़े है वह गुरद्वारे साहिबान दे विच ना करवाए जाण। जेकर कोई समागम करवाउंदा है तो वह अणसुखावी घटना लई खुद जिम्मेवार होवेगा, ना इस नूं सुणिया जावे ते ना ही इस दीआं वीडियो आदि अगे शेयर कीतियां जाण। जे अजे भी पास ना आया तो इस ते सख्त तो सख्त कार्रवाई जिहड़ी उह कीती जाएगी। इसे तरह हरिंदर सिंह नरवैर खालसा यूके दे खिलाफ पिछले समय संगतां वल्लों श्री गुरु नानक देव जी प्रति इतराजयोग शताब्दी वर्तन दे संबंध विच शिकायतां पुज्जियां सन, जिसकी इस नूं पत्रकार नंबर 19/370 मिती 6/1/2020 राही 15 दिन के अंदर अंदर स्पष्टीकरण मंगया सी। इसने श्री अकाल तख्त साहिब विखे नहीं भेजिया। इस संबंधी श्री अकाल तख्त साहिब विखे पंच सिंह साहिबान की कतरता विच विचार करन उपरंत फैसला होया कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब गुरु पंथ नूं समर्पित ते परंपरावां की राखी लई वचनबद्ध देश विदेश दीआं सिख संगतां संस्थावां ते प्रबंधकां नूं आदेश कीता जांदा है कि जिन्हां चिर अपनी गलती बयानियां लई अकाल तख्त साहिब ते पेश हो के माफ़ी नहीं मंगदा उन्हां चिर इस दे समागम भी जिहड़े ना करवाए जाण। संगतां वल्लों पुज्जियां शिकायतां सन कि रबदमन सिंह मलिक अते बलवंत सिंह पंधेर ने सरी बीसी कैनेडा विखे अपनी निजी संस्था सतनाम रिलीजियस सोसायटी बना के श्री अकाल तख्त साहिब वालों मिती 9/5/1998 नूं होए हुक्मनामे की उलंघना की है, जिस विच स्पष्ट लिखा है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो बिना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छपाई होर कोई नहीं कर सकता। इन्हां ने बिना आग्ञा तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरूपां की छपाई की है, जिस संबंधी श्री अकाल तख्त साहिब विखे पंच सिंह साहिबान की कतरता विच विचार करन उपरंत फैसला होया कि कनेडा निवासी रबदमन सिंह मलिक बलवंत सिंह पंधेर नूं आदेश कीता जांदा है कि इस संबंधी अपना स्पष्टीकरण एक महीने के अंदर अंदर श्री अकाल तख्त साहिब विखे भेजन। इस तों अलावा यह भी आदेश कीता जांदा है कि इन्हां वल्लों हुण तक तैयार किए पावन स्वरूप समेत छापाखाना मशीनरी सिख संगतां दी भावनावां अनुसार गुरुद्वारा गुरु नानक सिख सोसायटी डेल्टा सरी बीसी कनेडा विखे मोहतबर सिखां दी हाजरी विच सभायमान कीते जाण अते गुरुद्वारा साहिब दे प्रबंधकां नूं भी आदेश कीता कि इन्हां वल्लों तैयार किए पावन स्वरूपां दी सूझवान ग्रंथी सिंघां पासों दर्शन विचार करके अखरां तत्करे तों लै के रागमाला तीक वाधघाट होण जां ना होण बारे
मिलान करवा के रिपोर्ट 6 महीने के अंदर अंदर श्री अकाल तख्त साहब विखे भेजी जाए। पिछले दिन चीफ खालसा दीवान चैरिटेबल सोसायटी पासों कूड़ा फार्म संबंधी अमर छके या ना छके होने संबंधी जानकारी मंगी गई सी। बार बार पत्रकारों भेजन से भी इन्हों वालों जानकारी नहीं भेजी गई। इस संबंधी श्री अकाल तख्त साहब विखे पंच सिंह सभा की एकत्रता विच विचार करने उपरंत फैसला होया कि प्रधान चीफ खालसा दीवान अते अहुदेदार संबंधित जानकारी लैके खुद मिति 18/9/2020 दिन शुक्रवार को श्री अकाल तख्त साहब विखे 10 बजे हाजिर हो। बाबा शमशेर सिंह जगन्नाथपुरी उड़ीसा विखे गुरुद्वारा साहब बनाया जिसका नाम आरती साहब रखा है, जबकि स्थान नहीं जिथे गुरु नानक साहब ने आरती उचारी सी। पहला भी श्री अकाल तख्त साहब और तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब वालों जबानी आदेश किया गया सी कि इस गुरुद्वारा साहब का नाम तब्दील किया जाए, परंतु इसने कोई अमल नहीं किया। इस संबंधी श्री अकाल तख्त साहब विखे पंच सिंह सभा की एकत्रता विच विचार करने उपरंत फैसला होया कि बाबा शमशेर सिंह 1 महीने के अंदर अंदर गुरुद्वारा साहब का नाम तब्दील करके जानकारी श्री अकाल तख्त साहब विखे भेजे, नहीं तो अगली एकत्रता विच गुरमत अनुसार बाबा शमशेर सिंह पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुचा सिंह लगा नूं श्री अकाल तख्त साहब वालों कोई माफी नहीं है, इसलिए संगतां इस नाल मिलवर्तन जिहड़ा है वह बिल्कुल ना रखन। साबका जहेदार ज्ञानी इकबाल सिंह ने अयोध्या विखे एक समागम विच दित्ते बयान दे नाल साडी जिहड़ी है पंजे सिंह साहिबानां दी असहमति है और सिख एक वक्री कौम है। असी सारी दुनिया नूं सारे संसार नूं यह दस देना चाहते हैं कि सिख एक वक्री कौम सी, वक्री कौम है अते वक्री कौम रहेगी। इसलिए सिखां नूं किसी कोलों स्पष्टीकरण जां सर्टिफिकेट लैण दी जिहड़ी है कोई लोड़ नहीं है। पिछले दिन गुरुद्वारा साहिबान विच अरदास करन वाले कुछ सिख नौजवानों नूं सरकार वालों गिरफ्तार किया गया, जो कि उचित नहीं है क्योंकि अरदास करना सिखां दा धार्मिक फर्ज है। सिख हमेशा ही अरदास राही राज करेगा खालसा दे संकल्प नूं दृढ़ करदे हन, इसलिए अरदास करना कोई जुर्म नहीं। पर पैसे दे लालच विच कीती जा करवाई अरदास सिख धर्म दा अंग नहीं है। सिख नौजवानों नूं उकसाऊ बयानां तों सुचेत होण दी अज बहुत वड्डी लोड़ है। दस दईए कि इस तों इलावा जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने दस्या कि कुछ अधिकारियां अते कर्मचारियां दी मिली भुगत नाल पब्लीकेशन विभाग वालों जारी किए गए वेस्टिंग अंगां लई दित्ते वाधू अंगां तों अन अधिकारित तरीके नाल पावन स्वरूप तैयार करा के बिना बिल कटिया संगत नूं दित्ते गए। पंच सिंह साहिबाना द्वारा इस रिपोर्ट नूं विचारन तों बाद श्रोमणी अकाली प्रबंधक कमेटी नूं हुक्म कीते ने कि 1 हफ्ते अंदर शॉर्ट नोटिस ते अंतरिम कमेटी दी मीटिंग बुला के रिपोर्ट दोषियों खिलाफ बनती कार्रवाई की जाए। अमृतसर तों सुखचैन सिंह दी रिपोर्ट। T5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।